वेलकम दोस्तों, आज वीडियो में जानने वाले हैं कैरियर का रूफटॉप मॉडल पैकेज ऐसी है। इसमें हमें कंप्लेन मिला था जो हवा नहीं आता है अंदर रूम में, कम आता है, तो हमने आउटडोर में आकर चेक किया। इसका बेल्ट है, ये बेल्ट हमने टूटा पाया है, तो ये वीडियो में स्पेशली जानेंगे ये बेल्ट जो रहता है हमारा टूट जाता है तो कैसे हम चेंज करते हैं, क्यों चेंज करते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है बेल्ट में, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये बेल्ट ख़राब है। तो अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये स्पेशली नए टेक्नीशियन के लिए है जो लोग HVAC के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। बेल्ट आप देख सकते रहेंगे, ये हमारा जो है ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम दबा कर देखेंगे, अगर ज़्यादा लूज रहेगा तो कंडीशन में होता क्या है, बेल्ट स्लिप करेगा, एयर फ्लो कम आएगा, रूम में हवा कम जाएगा तो आइस प्रॉब्लम होगा या अंदर रूम में हवा कम आता है। बेल्ट का साइज़ देख सकते रहेंगे A50 है, सभी बेल्ट का अलग अलग टाइप के साइज आते हैं। ये V बेल्ट है और इसका जो है A50 साइज है। इसका बेल्ट देखते यहाँ पर क्रैक हो गया, देख सकते रहेंगे बेल्ट जो इस तरह से क्रैक हो गया है। कई बार होता क्या है, ये बेल्ट हमारे से पुराने जाते हैं, नॉर्मल रहते ही हैं तो ये बेल्ट जो है चलते रहते हैं, कई बार जो है लॉन्ग टाइम चलेंगे तो इस तरह से क्रैक हो जाता है। जब क्रैक हो जाएगा तो लूज हो जाता है, लूज होने के बाद बेल्ट हमारा स्लिप करेगा, हवा प्रॉपर रूम में नहीं जाएगा, फुल नहीं जाएगा, ऑपरेटर में कूलिंग जमेगा, इस तरह से इफेक्ट बहुत से क्रिएट होते रहते हैं। तो हमें जो समय समय पर हमेशा चेक करके से चेंज करना रहता है। बहुत से नए लोग रहते हैं, सोचते रहेंगे इसको कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि बेल्ट ड्राइव रहता है देख सकते रहेंगे, तो इसे हमें दबा करके सेफ्टी यही रखता है, यहाँ पर दबा करके इधर से स्लाइड करके आगे घुमा कर खोलेंगे। ये क्यों हमारा आसानी से हमारा निकल जा रहा है, क्योंकि ये जो हमारा बेल्ट टूटा हुआ है लूज है, इसलिए आसानी से ये हमारा निकल गया है। तब देख सकते रहेंगे इस तरह क्रेक हो जाता है, टूट जाता है, निकल जाता है, नहीं तो आप इसको दो हाथ से पकड़ के निकालना रहता है। कभी भी आप सावधानीपूर्वक निकालिएगा, क्योंकि कई बार होता है जो नए लोग रहते हैं उनका उंगली इसके बीच में आ जाता है, दब जाता है। देख सकते रहेंगे हमारा लूज यहाँ से क्यों लूज है, यहाँ पर क्रेक हो गया है। ज़्यादातर बेल्ट वगैरह हमारे तरफ टूट जाता है, कई बार आप जो नहीं ध्यान देंगे तो हमारा टूट जाता है। यहाँ से हमको फिर देखा दें, यहाँ से दबा करके इस तरह स्लाइड करेंगे, साइड में अपने तरफ खींच कर करेंगे, घुमाएंगे पुली को, निकल जाएगा। बेल्ट जो रहता है इसे हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं, अगर लूज हो गया, टाइट हो गया, हमारा दूसरा पार्ट में वीडियो जानेंगे। इसमें सिर्फ हम बेल्ट के बारे चेंज करने के बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा हम जानकारी ले रहे हैं। जैसे कि हमारे पास सेम टू सेम है, A51 मॉडल का है, सेम टू सेम बेल्ट है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो मोटर का पुल्ली रहता है उसमें हम फंसाएंगे। देख सकते रहेंगे यहाँ से, जैसे हमारा मोटर पुल्ली है उसमें हम फंसाएंगे, और वहाँ से फंसा करके जो हमारा ब्लोअर का पुल्ली है, क्योंकि ब्लोअर का पुल्ली जो हमारा सब बड़ा रहता है, इस तरह से हम पकड़ के घुमाना है, सावधानी से हमें करना है, उंगली अगर इसके अंदर ना जाए, क्योंकि उंगली जाएगा यहाँ पर तो हमारा डैमेज होता है, हड्डी वगैरह टूट सकता है, तो सावधानी देख सकते रहेंगे। यहाँ से हम इसको करेंगे, ये थोड़ा टाइट है, देख सकते रहेंगे ये हमारा टाइट है। क्यों टाइट है, क्योंकि हमारा बेल्ट सही है, पहले हमारा थोड़ा लूज था क्योंकि बेल्ट वगैरह सेम मॉडल था, बस क्रैक हो गया था, क्रैक होने की वजह से वो लफ गया था। तो बेसिकली जो है आसानी से हम बेल्ट वगैरह इसी तरह से चेंज करते हैं। और भी बहुत से जो डिफिकल्ट भी आते हैं, बड़े बड़े इशू आते हैं, उसमें डिफिकल्ट होता है, टाइट करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है, उस सबका दूसरा पार्ट में हम जानेंगे। जो भी हमारे पास जो भी वीडियो आते रहेंगे अलग टाइप के अलग मशीन के बारे में, प्रैक्टिकली चीज़ हम जानने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें, जो लोग ये फील्ड में आना चाहते हैं, नए लोग कोर्सेज कर रहे हैं, आप भी नए लोग हेल्प जरूर करें। ये वीडियो फीडबैक दीजिए क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। अगर आप बेल्ट खरीदना चाहते हैं और भी स्पेयर पार्ट टूल्स वगैरह खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करिए, इसका फायदा लीजिए। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।